بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون القراء اوکاڑا سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان قاری منظور احمد شاہین صاحب حفظہ اللہ اللہ ان کی آواز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو علاقہ سے علماء کرام مہمانان جو تشریف لائے ہیں میں ان کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص ہمارے علاقہ کے معزز مہمانان محترم قاری محمد افضل صاحب جو چک سرجا سے تشریف لائے اور ان کے علاوہ مولانا داؤد فہیم صاحب حفظہ اللہ جو چک سلام پور سے تشریف لائے اور اسی طرح ہمارے معزز دوست بھی ہیں قاری عبد المنان سلفی صاحب 41L سے تشریف لائے اور اسی گاؤں سے ہمارے نہایت ہی محسن دوست ہیں قاری ابو سفیان صاحب میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ وہ سٹیج کی زینت بنے وہ قافلے میں تشریف لائے ہیں اور قاری عبد المنان صاحب حافظہ اللہ جو تارا سنگھ سے تشریف لائے ہوئے ہیں بہت پیارے نعت خوان بھی ہیں دعا ہے کہ اللہ تمام علماء کرام کی تشریف آوری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے تو ابھی آپ کے سامنے ضلع اوکاڑا کی معروف شخصیت اور آپ جانتے بھی ہیں الحمدللہ اکثر آپ پروگراموں میں ان کو سرگرم دیکھتے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں بھی ان کی بہت زیادہ کوشش و کاوش ہے تو میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا فضیلت الشیخ مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں فضیلت الشیخ استاد محترم محی الدین کنگن پوری صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وسلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم مختصر حمد و ثنا
और दरूदो सलाम दे बाद अज दी सलाना कॉन्फ्रेंस अजीजम जीनतुल कुर्रा कारी अब्दुल रऊफ मुहम्मदी साहेब उन्हां दी मुहब्बत और प्यार दी वजह तो तुहाडे सामने हाजरी दा मौका नसीब होया। हजरात मेरी गुफ्तगू ज्यादा तो ज्यादा 30 से 35 मिनट होएगी। तवज्जो फरमाया जी। कुरान पाक विचो दो मुकाम मैं तुहाडे सामने इस वक्त पढ़े ने। एक दा ताल्लुक रब्बे जुल जलाल दे नाल है और दूसरी आयत दा ताल्लुक आमिना दे लाल दे नाल है। हजरात तवज्जो फरमाया जे। ओ आसमान वाला रब और मेरे आका शाह अरब हजरात आसमान वाला रहमान अला कुल्ले शैयन कदीर मेरे आका अलैहिस्सलाम सिराज मुनीर ने आसमान वाला इला सुबहान रब्बी अलाजीम मेरा आका अलैहिस सलातु वस्सलाम व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम ने हजरात बातों दो ही ने इस मुख्तसर टाइम दे अंदर या रब रहमान दी बात होएगी या मदीने वाले सुल्तान दी बात होएगी। आसमान वाला रब दी अजमत और शान और मुकाम दे हवाले नल में बात कहनी चाहना वा। अज पूरे मुल्क दे अंदर सारे उनवानात बयान हो सकते ने और बयान किते जा रहे ने लेकिन खालके कायनात मालके अर्जो समाधी तौहीद दी जदो बात आउंदी है उदो सारे ही अपने भी बेगाने भी मेरे दोस्तों ये बात कहंदे ने कि तौहीद नू बयान ना करो इस उनवान तो हाथ उठाओ या हाथ हौला रखो। लेकिन मेरे दोस्तों मैं बात कहनी चाहना वा तौहीद वाला उनवान जेड़ा ऐसा अजीम शान उनवान है। और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इस्लाम की जान तौहीद है। जमीन व आसमान तौहीद की वजह से कायम है। अमाल की कबूलियत की शर्त भी तौहीद है और जन्नत में दाखले की शर्त भी तौहीद है। इस वास्ते ए अजीम शान तौहीद वाला मसला और रब्बे जुल जलाल ने दो वादे लेने एक अपनी रबूबियत दा वादा लिया एक अपने महबूब दी रिसालत दा वादा लिया। जदो अल्लाह ने अपनी रबूबियत दा वादा लिया उदो सारी कायनात दे लोगों नू बुलाया। मशरक वाले भी आए मगरब वाले भी आए शमाल वाले भी आए जनूब वाले भी आए। इस तौहीद कॉन्फ्रेंस के अंदर अरबी भी सन अजमी भी सन गोरे भी सन काले भी सन मेरे दोस्तों शायर भी सन खतीब भी सन अदीब भी सन तबीब भी सन। इस कॉन्फ्रेंस जड़ी तौहीद दी अल्लाह ने आलमे अरवाह च बुलाइए एदे विच सारे ही आए ने। खिताबत दे जौक दे हवाले नल अपने शेख इदरीस असरी साहब की मौजूदगी दे अंदर कहना चाहना वा इस कॉन्फ्रेंस दे विच आने वाले ए राजपूत ते अवान भी सन ओ मोची ते तरखान भी सन मौलवी ते नात खान भी सन ए बुढ़े ते जवान भी सन ए लगारी ते चौहान भी सन ए चीमे ते चट्ठे भी सन ए खोखर ते डोगर भी सन ए कंबो ते मलक भी सन ए सारे ही आए। अल्लाह ने गल इको ही कीती है अलस्तु बिरब्बिकुम तुसी बुलवाना है कह दो सुभान अल्लाह
तुहानू पता है अक्सर कि मैं अपने टाइम तो उत्ते घट ही जाना होना, पहले भावें मुका दे, जे पहले खत्म करानी है फिर खिंच के सुभान अल्लाह कहनी पैनी है। इको ही बात रब ने सारिया नू कही, अलस तो बेरबी गुम, क्या मैं तुहाडा रब हां के नहीं। सारिया ने बात कही, किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। सालिया ने क्या कालू बलाम, क्यों नहीं अरशा वाले रबा, तू ही साडा रब है, तू ही साडा दाता है, तू ही साडा इला है, तू ही साडा मुश्किल कुशा है। इस तो बाद अल्लाह ताला ने इस वादे दी यकीन दहानी वास्ते, याद दहानी वास्ते अपने अंबिया नू भेजिया, किते जनाबे आदम आए, किते नूह अलैहिस्सलाम आए, किते इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, किते इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, किते याकूब यूसुफ आए, किते दाऊद और सुलेमान आए, किते यहया और ज़करिया आए, किते हूद और लूत आए, किते इदरीस आए, किते साले आए। अपने अपने वक्त च आए और अपनी अपनी कौम नू इको ही दावत दिती है। अंबिया दी दावत की है, सारिया कौमां नू सारे अंबिया ने इको ही पैगाम दिता है। ओ मेरी कौम दे लोगों, है जात वाहिद इबादत के लायक। माशाल्लाह साउंड प्यारा मेरे भाई गुड्डू साहब दा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। किते यजदानी केस्ट वाले आए, अल्लाह इन्हां दा भी आना कबूल फरमाए। आइए, है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक, उसी के हैं फरमान इताअत के लायक। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ। इधर उधर जान वाले अंबिया ते अपनी दावत दे के जा चुके ने, अल्लाह दे वाली भी जा चुके ने काफी तादाद अंदर। ये पैगाम इतना प्यारा है, वही दा पैगाम तो ही दे, अंबिया दा मिशन तो ही दे, कुरान दा खुलासा तो ही दे, तो ज़बूर इंजील दा मरकजी उन्वान तो ही दे, जन्नत दे दाखले दी शर्त तो ही दे, अव्वल मसला तो ही दे, आखर मसला तो ही दे। और इत्थे मेरे दोस्त कई भुलेखे पाए हुए ने, मेरे दोस्तां ने जी जिन्हें कलमा पढ़ लिया, वह मुशरक नहीं हो सकता। मैं बात कहनी चाहना वा मुहब्बत नाल, दर्द दिल नाल ये मसला मैं क्यों सुनाना चाहना वा। हर पासे रब दी बगावत हो रही है, रब दी सरजमी ते रब दा खान वाले, रब दा हंडान वाले अल्लाह दे बागी बंदे जा रहे ने, अल्लाह दे नेक बंदियां नू अल्लाह दा शरीक करदे जा रहे ने। मैं इतनी ही बात कहांगा, और मेरे दोस्तों समझदार बैठे पढ़े लिखे पंचायती बंदे बैठे हो, जे कोई कलमा पढ़ के शराब पिए शराबी है कि नहीं, वो कलमा पढ़ के कोई डाका मारे ओनू डाकू कहांगे के नहीं, चकलमा पढ़ के कोई चोरी करे ओनू चोर कहांगे, कलमा पढ़ के कोई रिश्वत खाए और रिश्वत खोर कहलाएगा, सूदी कारोबार करे और सूद खोर कहलाएगा। जे कलमा पढ़न तो बाद जिन्हिया भी कबाहत करन वाले लोगों नू उस कबाहत दे नाम तो मनसूब कीता जा सकदा है, ते मेरे दोस्तों जरा कलमा पढ़ के शिरक करेगा वो मुशरक है। फिर अल्लाह पाक दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहे है, वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून। इस वास्ते आ जाओ अल्लाह दी तौहीद, अल्लाह कौन है, वो खालिक कौन है, वो मालिक कौन है, जिदी दावत सारे अंबिया दे के गए ने, जिदी दावत पूरी कायनात च तौहीद वाले दे रहे ने। अल्लाह ने अपना तारुफ खुद
खुद करवाया है। कुरान पाक अंदर जगह जगह ते फरमाया अल्लाहुल्लज़ी, कह दो यार कौन अल्लाह, अल्लाहुल्लज़ी जाला लकुम अल-अर्ज़ क़रारं वस्समा बिनाउं वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिन अद-दय्यबात ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। फरमाया जिन्हें जमीन नू बिछौना बनाया आसमान नू छत बनाया, एक गल्ला ते बड़ी वारी उलामा कोलो तुसी सुने हो सुनते रहंदे हो के जमीन नू रब ने बिछौना बनाया, इतनी बड़ी जमीन है साडे विचो जिहड़े असीं इत्थे मौजूद हाँ कोई भी मशरक दी इंतहावां ते नहीं पहुंचिया होएगा, ना मगरब दियां इंतहावां ते पहुंचिया होएगा, ना शमालो जनूब इंतहावां असी सुनिया ते पढ़िया ते लोगां नू दसिया ही ने, इंतहावां देखिया कोई नहीं। अल्लाह इतनी बड़ी जमीन बिछाई है, हां हां मैं रब्बा। फरमाया हुआ सवरकुम फाहसन सवरकुम, फिर तोड़िया सोनिया शक्लां बनाईया बड़िया प्यारिया, की मतलब जिथे कन फबदे सी कन लगाए, जिथे नक सोना लगदा सी नक नक लाया, जिथे अखां जचदियां सी अखां लगा दितियां। ओ मेरा मालिक ऐसा मालिक है। फरमाया फिर तुहानू खान पीन दे तुहाडे रोजी दे बंदोबस्त भी करते ने ते अरश वाले खुदा ने कीते ने। इस वास्ते सारी कायनात दे अंदर जितने भी अल्लाह दे नेक बंदे ने उन्हां दियां अजमतां उन्हां दियां शानां अपनी जगह ते, लेकिन मेरे दोस्तों अर्श वाला रहमान रहमान है ओदी तौहीद ते पक्के हो जाओ और शिरक तो दूर हो जाओ, एदे अंदर ही कामयाबी है। और मैं पैगाम तौहीद देना चाहना वा, अर्श वाले खुदा ने अपने कलाम अंदर जगह जगह अपना तारुफ करवाया, अपनी उलूहियत दा तज़किरा अपनी रबूबियत दा तज़किरा अल्लाह ने दसिया है कायनात दे लोगां नू। फरमाया मन इलाहुन सादा चलन दो, मन इलाहुन गैरुल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने ओ कायनात दे लोगो, आ रात पई हुई है ना, अल्लाह फरमांदे ने जे क्यामत तक मैं रात ही रखा दिन चढ़ावा ना, ओ कोई होर है रब तो इलावा जिहड़ा इस पाई हुई रात नू दिन दी रोशनी च बदल सके। ओ तुसी समझदार दाना बैठे हो, फैसला तुहाडे ते वे, कायनात दा चक्कर लगाओ, कोई भी ऐसी हस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी। फरमाया हुआ ये गुला राई तुम इन जाल अल्लाह अलैकुम नार शर्मदन इला यौमिल कियामा, दुनिया दे लोगो इस रात तो बाद दिन चढ़ना है। अल्लाह फरमांदे ने जे असी दिन ही रखिए रात पाइए ही ना, कौन है जरा दिन नू खत्म करके रात चढ़ा के दिखा देवे। इस कायनात दे अंदर बड़े बड़े अंबिया मिलनगे, इस कायनात दे अंदर बड़े बड़े अल्लाह दे वली मिलनगे। मैं सलाम पेश करना वा वलियां दी जुत्ती दी मिट्टी जड़ी मेरी अखां दा सुरमा है, लेकिन अल्लाह दी तौहीद अल्लाह दी तौहीद है ना। इस वास्ते मैं पैगाम देना चाहना वा कि मोहताज रब दी है सारी खुदाई। और जिन्ना वड्डा रहमान ने उन्नी कह दो सुभान अल्लाह, रब दी तौहीद दी बात होए और मजमा ठंडा हो जाए मजा नहीं आ रहा। ओए मोहताज रब दी है सारी खुदाई, ओ रब सब दी करदा
जे मुश्किल कुशाई ओ मोहताज रब दी यूनस दा मछली ने लुकमा बनाया अलैहि सलाम यूनस दा मछली ने लुकमा बनाया यूसुफ नू खूह चो बाहर कौन लियाया ओए कुर्सी सदारत मिस्र दी अताई कुर्सी सदारत मिस्र दी अताई ओ रब सब दी करदा जे मुश्किल कुशाई ओए मोहताज रब दी और तौहीद दा ऐलान सुनाओ आदम नू जन्नत चो सुटिया जमी ते आदम नू जन्नत चो सुटिया जमी ते निशान सजदे पै गए ऊपर जबी ते ओए बिन बाबे आदम नू माफी अताई ओए फिर बाबे आदम नू माफी अताई ओ रब सब दी करदा जे मुश्किल कुशाई ओए मोहताज रब दी अल्लाह फरमांदे ने सारी कायनात दा निजाम चलाने वाला मैं हां सारी दुनिया नू खिलाने वाला मैं हां व मा कदरुल्लाह हक कदर ही व मा कदरुल्लाह हक्का कदरी इत्थे किसे अजीज वल जाइए किसे रिश्ते वाल रिश्तेदार वल जाइए अगो इज्जत ना होए असी कहने आं उन्हें साड़ी इज्जत ही नहीं कीती उन्हें उत्थे गए सां उन्हें कदर ही कोई नहीं कीता ओए तेरी मेरी गल ते किते रह गई आसमान वाला रहमान कह रहा लोका मेरी भी कदर कोई नहीं कीती जिवें मेरी कदर करन दा हक सी इना कदर कोई नहीं कीती मालकुम ला तरजून लिल्लाह वगारा और दुनिया दे लोगों तुहानू की हो गया है तुसी अल्लाह दी अजमत नू पहचानिया ही नहीं अल्लाह दी शान नू जानिया ही नहीं जी जी अल्लाह ते फिर है ही है लेकिन ए भी घट नहीं ओए मैं सलाम पेश करना वा उस तौहीद वाले नू जिहड़ा अल्लाह दी तौहीद ते कायम है और मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयो ए उनवान ते बड़ा लम्मा है मैनु वक्त दा बड़ा एहसास है इस वास्ते जिहड़ी मैं बात समझानी चाहना वा वफी कुल्ले शैइन आयतुन आ सारा निजाम चलान वाला कौन है वफी कुल शैइन आयतुन तदल्लु अला अन्नहु वाहिदुन ओ खाली कौन है ओ मालिक कौन है मैं सदके ते कुर्बान जावां जे कुदरत वल्लों एक आख हो जाए कहानी तौहीद दी आवाज़ है तौहीद दे पैगाम नू सुनिया जे समझ आ जाए दिल दे अंदर जगा दे आ जाए जे कुदरत वल्लों एक अख हो जाए कहानी कठी हो के आ जावे पीरां दी ढाणी दुनिया दे वलियां दा लग जावे मेला गुरु सारे आ जान हर गुर दा चेला सारा जोर लावे अकेला अकेला कदे बन सके न एक अख दा डेला जे नकली डेला कोई बनावी देवेगा उदे नाल कुछ भी नजर नहीं पवेगा बिनाई तो बिल्कुल बेकारी रवेगा बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा जिने तेनु मुफ्त विच सब कुछ आताया तू एहसान उदे दा की मुल पाया तू एहसान उहदे दा की मुल पाया और आओ आखरी बातां करिए शकल तेरी सोहनी बनाई ते अल्लाह जे तंदरुस्ती तेनू अताई ते अल्लाह जहजा तवज्जो फरमाया जे कौन अल्लाह ताला दी जात है फरमाया यूहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह
सलाम। ऐ लोगो, ऐ दुनिया वाले हो, तुसी सारे अल्लाह दे दर दे फकीर हो, अल्लाह गनी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गो भाइयो, किते अल्लाह पाक ने फरमाया जे मेरी अजे भी तुहानू समझ नहीं आई, आ निजाम सारा देख के भी ते अपने वल्ले ही झाती मार ले, फिर शायद तेनू समझ आ जाए। फरमाया वाला कद खलकनल इंसान मिन सुलालति मिन तीन, सुम्मा जालना नुतवतन फी करारिम मकीम, सुम्मा खलकनल नुतवत अलकतन फखलकनल अलकत मुझगतन फखलकनल मुझगत इजामन फकसवनल इजाम लहमा, सुम्मा अनशाना खलकन आकर फतबारक अल्लाह आसनुल खालिकीन। और हजरात जड़ी दूसरी आयत में पढ़ी, वैसे तो कई घंटे भी तौहीद ते बात की जाए वो मुकन वाली नहीं। माशाल्लाह जीनतुल कुर्रा कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब भी तशरीफ ले आए, शायर इस्लाम मोहम्मद मनशा कादरी साहब भी तशरीफ फरमाने, और नासर मदनी साहब ना भी मुकम्मल राबत है, बहुत बहुत जल्द पहुंचन वाले ने। इस वास्ते मैं अपनी आखरियां बातें अपने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, यार गर्ज के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी अजमत शान और मुकाम दे हवाले नल बयान करनी चाहना वा। और मेरे दोस्तों अजमत मुस्तफ़ा की बात करते हो, अजमत मुस्तफ़ा हमसे पूछो, अजमत मुस्तफ़ा गांव में शहर में, हजरात अजमत मुस्तफ़ा गांव में शहर में, हजरात शाम में शहर शहर में, गर्मी में सर्दी में अबर में आबशारों में, सहनी अम्बिया के इशारों में, लुत्फ में अल्ताफ में लतीफ में वसफ में औसाफ में तौसीफ में, अजमत मुस्तफ़ा दुआ इब्राहिमी में, इल्तजाए कलीमी में, बिशारत ईसा में, शान मुस्तफ़ा मुकाम मुस्तफ़ा के क्या कहने, जहाँ पर हम अर्शवाले खुदा की तौहीद का ऐलान करते हैं, वहाँ पर हम मदीने वाले आका की अजमत का भी ऐलान करते हैं, और कायनात के लोगों को इस बात का ऐलान और इस बात की दावत दर पैगाम देते हैं, आसमान वाला रब है, वो शाह अरब है, उनकी रबूबियत है, उनकी रिसालत है, उनकी खलकत है, उनकी उम्मत है, वो जुल जलाल है, वो आमिना कलाल है, वो हुक्म फरमाने वाला है, वो हुक्मों को आगे पहुंचाने वाला है, वो सबका खुदा है, वो सबका मुस्तफा है, वो खुदाई में बेमिसाल है, वो मुस्तफाई में बेमिसाल है। इबादत खुदा की, इताअत मुस्तफा की, पूजने के लिए खुदा, पूछने के लिए मुस्तफा। हजरात जवानी हो, पीरी हो, अमीरी हो, फकीरी हो, मौत हो, हयात हो, अमन हो, जंग हो, उम्मीद हो, तरंग हो, यास हो, आस हो, शाही हो, गदाई हो, रंज हो, राहत हो, हुजन हो, मुसर्रत हो, वो मेरे प्यारे आका और मुझे तो अक्सर डिमांड करके कहते हैं जी आप शान मुस्तफ़ा बयान करें, अज़ाका की अजमत बयान करें। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह तूने मुझे अपने महबूब की तारीफ पे लगाया है, एक मीठी आवाज पैगंबर की नात की कादरी साहब, एक मेरा सादा सा अंदाज, वो मेरे आका जिनका मुकद्दस नाम कश्मीर के सब्ज़ाज़ारों में, दक्कन के पहाड़ों में, हिमालिया की चोटियों में, गंगा की वादियों में, चीन में, जापान में, तुर्कमानिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अलजजायर में, इटली में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, अरब में, अजम में, जमीन पे, आसमां पे, हवाओं में, फिजाओं में, मशरिक में, मगरिब में, शमाल और जनूब में, अरे जहां जहां मेरे खुदा की खुदाई है, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है।
अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा के क्या कहने हजरत। मैं जो बात करने लगा हूँ, आका की अजमत का उन्वान बड़ा प्यारा है, मौजू बड़ा प्यारा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे आका की अजमत और शान, और लोगों मेरा नबी बरकतों वाला। ऊंची कह दो, जैसे एक वो वक्त सी जब मेरे पैगंबर दे लखते जिगर इब्राहिम हाथा चे फौत होए, मक्के वालिया ने बजाए हौसला देन दे, बजाए जनाब अफसोस करन दे, होरी गल्ला शुरू कर दितियां, एदी हकीकी औलाद फौत हो गई है, कुछ वक्त गुजरेगा ए भी दुनिया तो चला जाएगा, एदा नामो निशान मिट जाएगा, इन्हां बेईमाना नू की पता सी आज उन्हां दी औलाद भी हरकतां इहो जिहां कर दीए, ना इन्हां दे वड्डे कामयाब होए, ना इन्हां दी औलाद कामयाब हो सकदी है। आका दी अजमत और रिसालत दे पंचम जड़े ने पूरी दुनिया च लहरा रहे ने, और कियामत तक लहरांदे रहणगे। असीं गलियां दे अंदर, महल्लियां दे अंदर, चौकां दे अंदर, चौरस्तियां दे अंदर, मस्जिदां दे अंदर, मदरसियां दे अंदर, घरां दे अंदर, जगह जगह ते अपने सोने पैगंबर दी अजमत दे परचम लहरा देंगे। जरा हाथ खड़े करके कह दो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लहरा देंगे। और अजाना गूंज रही ने, अजाना दी तफसील दा टाइम इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इतनी बात ते मुहब्बत नाल तुहाडे जौक नू वधाउण दी खातर कहनी चाहना वा, सानू दसे आए पंज अजाना ने साडे नबी दियां उचियां शाना ने, गवाही देन दे दितियां जमीन आसमाना ने, साडे नबी दियां उचियां शाना ने। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, मेरे नबी के जिस्म का एक एक हिस्सा बरकतों वाला, आपका थूक मुबारक भी बरकत वाला, मेरे और तेरे मुंह के थूक में, मेरे और तेरे थूक में वबा ही वबा है, मेरे पैगंबर के थूक में अल्लाह ने शिफा ही शिफा रखी है। वो थूक मुबारक अगर कड़वे कुएं में पड़ जाए, कुएं का पानी अल्लाह मीठा कर दे, मेरे पैगंबर का लुआम मुबारक अगर जाबर के खाने में पड़ जाए, 1400 सहाबा का लश्कर तो खाना खा जाए, खाना खत्म ना होने पाए, मेरे पैगंबर का लुआम मुबारक अगर सिद्दीक की अड़ी पे लगे, जहर खत्म, अली की आंख पे लगे, दर्द खत्म। हजरात, मेरे आका की अजमत के हवाले से और मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पैगंबर के हाथ मुबारक भी बरकतों वाले। वो हाथ मुबारक कैसे बरकतों वाले, मेरे पैगंबर के हाथ मुबारक है उम्मे माबत की बकरी के थनों को लग जाए, दूध संभाला ना जाए, दूध के एक प्याले को लग जाए, 70 सहाबा तो दूध पी जाए, दूध खत्म ना होने पाए, मेरे पैगंबर की हाथों की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, मेरा पैगंबर चेहरा आसमान की तरफ उठाए, अल्लाह किबला तब्दील कर दे, इशारा चांद की तरफ करें, चांद दो टुकड़े हो जाए, इशारा दरख्त की तरफ करें, वो कदमों में कलमा सुना, वो जमीन को चीरता हुआ करीब आ जाए, इशारा खजूर के गोशे की तरफ करें, वो कदमों में कलमा सुना जाए, मेरे आका के पसीने का मुकाबला दुनिया भर की लाखों खुशबुएं भी नहीं कर सकती हैं। अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा के क्या कहने लोगों, मेरे आका के कदम मुबारक भी बरकतों वाले। वो कदम मुबारक कैसे बरकतों वाले, मेरे आका के कदम मुबारक अगर जनाब आमना की गोद में आए, अल्लाह ने आमना का नाम पूरी कायनात में ऊंचा कर दिया, अगर हलीमा की झोली में आए, अल्लाह ने हलीमा का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया, मेरे पैगंबर के कदम मुबारक अगर बुर्राक पर लगे, अल्लाह ने बुर्राक को सारी सवारियों से तेज कर दिया, सवारियों का सरदार बना दिया, मेरे पैगंबर के कदम मुबारक
अगर सौरव हीरा की गारों में लगे, अल्लाह ने उन गारों का तस्करा पूरी कायनात में ऊंचा कर दिया। बदर उहद के मैदानों में लगे, अल्लाह ने उन मैदानों का तस्करा पूरी कायनात में ऊंचा कर दिया। मेरे पैगंबर के कदम मुबारक और मक्के की गलियों में लगे, अल्लाह ने ला उक्सिम बिहाज़ल बलद कह के उन गलियों की कसमें उठाई। मेरे पैगंबर के कदम मुबारक अगर सिद्दीक के कंधों पर लगे, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को सारे सहाबा का सरदार बना दिया। अगर सिद्दीका के हुजरे में लगे, अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया। अजमत मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा बयान होने और अजमत मेरे महबूब की ख़त्म होने वाली नहीं। आखिरी पैगाम के लायक तारीफ़ दे वाहिद खुदा है, ओदी ज़ात सब तो अनोखी जुदा है, उन्हें करम साढ़े ते डाडा कमाया के सानू मुहम्मद दी उम्मत बनाया। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजब नाम है मुहम्मद निराला, मुहम्मद मुहम्मद सोना कमली वाला, मुहम्मद ने कीता सारा जग उजाला, सोने दा ना सारी दुनिया तो आला, सोने दा ना पावे दुश्मन आलावन, उना देवी लब दोवे जफियां पे पावन। आयशा रावी नबी ने सुनाया, एक दिन मेरे पास जिब्रील आया, कह लेंदे चढ़दे नू मैं ढूंढ आया, ए टुकड़ा जमीन दा मैं सारा है गाया, मैं हर शह नू डिठा छड़ी कसर कोई ना, मुहम्मद तो सोहना डिठा बशर कोई ना। अजमत मुस्तफा साडे बुजुर्गों ने कलम चलाया कमाल कर दिती, अभी सुखन सी कमली वाले सुनाए, एक दिन मेरे पास दो मलक आए, एक पूछे कौन ते दूजा बताए, ए रब दा प्यारा मुहम्मद सदाए, तो नाने ओते तराजू मंगाया, तो नाने ओते तराजू मंगाया, मैनू पकड़ के एक छाबे च पाया, दूजे पासे सी होर बंदा बहा के, जदों तोलिया सी तराजू उठा के, मेरा पासा लगा जमीन ले जाके, दस बंद रखे ओना दूजे पल्ले, फिर भी मेरा पासा उतां ना हिले, तां सौ नाल कीता उन्होंने चाहरा, मेरा पासा बारा मेरा पास बारा, तो सारी मखलूक ना एक पास सुटी, फिर भी मेरी तकड़ी उतां नहीं उठी। खालक वल्लो होवे ते रब रहमान है, पर मखलूक अंदर मुहम्मद दा शान है, एक पास होवे ते सारा जहान है, सत्ते जमीना ते सत्ते आसमान है, तावी मुहम्मद दा है शान आला। सोना कमली वाला, सोना कमली वाला, सोना कमली वाला, सोना कमली वाला।